अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास फाइव का मैथ। आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे यूनिट फोर की, एक्सरसाइज सेवन। तो यहाँ पे क्वेश्चन वन है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन परसेंटेज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। ये देखें, यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बताया हुआ है, देयर आर 100 पीसीज ऑफ अ पिक्चर पज़ल। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसमें 100 पीसीज हैं, आउट ऑफ दीज 30 पीसीज आर ब्लू, और उनमें से 30 ब्लू हैं। वी कैन राइट इन इट इन फ्रैक्शन, और हम इसको फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं कि 100 पीसीज हैं वो हम नीचे लिखेंगे, और कलर्ड कितने हैं 30 वो हम ऊपर, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है। दिस फ्रैक्शन कैन आल्सो बी रिटन इन स्पेशली वे कॉल्ड परसेंटेज। तो इस परसेंटेज को हम इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। किस तरह से, के जो नीचे हमारे पास 100 होता है उसको हम परसेंटेज के साइन से शो करवा देते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये 100 की बात कर रहे हैं, और जो 30 है वो ऊपर का ऊपर रहता है, ये परसेंटेज का हमारे पास साइन होता है। यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन की एक स्पेशल काइंड है, विद 100 एज अ डिनोमिनेटर, जिसके नीचे 100 होता है। 100 के अलावा कोई नंबर होगा तो वो परसेंटेज नहीं होगी, उसको हम बना सकते हैं, लेकिन परसेंटेज तभी होगी जब 100 होगा। द सिंबल टू रिप्रेजेंट परसेंटेज, ये इसका सिंबल है। चलें अब एक्सरसाइज वन स्टार्ट करते हैं, सेवन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये नंबर्स को परसेंटेज में लिखने के लिए कहा है, तो ये बहुत ईजी है, हमने सिंपल क्या करना है। तो हमें 4/100 दिया हुआ है, तो हम 4 को वैसे ही लिखेंगे और 100 की जगह पे ये परसेंटेज का साइन डाल देंगे। सेम इसी तरह 35/100 है, 35 लिखेंगे और इसकी जगह परसेंटेज का साइन डाल देंगे। 76/100 की जगह नीचे 100 होगा तभी हमने परसेंटेज का साइन डालना है। 12/100 यहाँ पे, तो इसका साइन डाल देंगे। नेक्स्ट देखें, 28/100 28% लिख देंगे। 47/100 47% लिख देंगे। 45/100 45%। 66/100 66%। 89/100 89%। और 1/100 तो 1% आ जाएगा। अब क्वेश्चन टू है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है। पहले ये हमें ये पिछले क्वेश्चन का उलट है। अब 13 है तो इस परसेंटेज के साइन को हम 100 में लिख सकते हैं। और एक बात याद रखनी है कि जब भी आप फ्रैक्शन में कोई आंसर देते हो तो उसको लोएस्ट फॉर्म में ज़रूर करना। जैसे हमने देखना है कि 13/100 सेम टेबल पर आते नहीं आते, तो ये तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं जा रहा, लेकिन जो क्वेश्चन जाएगा उसको लाजमी करना है। 24% की जगह 100, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब देखें, 24/100 सेम टेबल पे आते हैं, 2 के आते हैं 12 टाइम और ये 50 टाइम। अगेन 2 पे आ रहे हैं, 2 6 और 2 25, तो यहाँ 6/25 आ जाएगा। नेक्स्ट 46/100 है, तो 46/100 हमने लिख दिया है ना। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 3 6 और 2 50 टाइम। अब 23 किसी के टेबल पे नहीं आता है, तो 23/50 आंसर आ गया। 55/100 लिखेंगे। 55/100 किसके टेबल पे आते हैं, 5 के, 5 11 और 5 20। 11 किसी के टेबल पे नहीं आता है, तो 11/20 इसका आंसर आ गया। 68% है, 68/100 लिखेंगे। अब ये दोनों 2 से दोबारा काट जाते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 2 50 टाइम। 100 अगेन 2 से कटते हैं, 2 17 टाइम और 2 25 टाइम, तो 17/25। 72/100 36 टाइम आएगा 2 के टेबल पे, और ये 50 टाइम 2 के टेबल पे 18 टाइम आएगा, और यहाँ पे 25 टाइम, तो 18/25 आ गया। 87% आ गया, 87/100। अब 87 किसी के टेबल पे नहीं आता, तो इसको ऐसे लिख देंगे, 11/100। उसके बाद है 10/100 लिखेंगे। 10 1 10 10, तो 1/100 10 आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। तो ये हमने अब डेसिमल में लिखना है, तो सबसे पहले हमने इसको परसेंटेज में लिख लेते हैं 15/100। तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि जब नीचे 100 होता है या 1000 होता है तो उसको हम इजीली लिख सकते हैं। ये इसके साथ 1 की जगह हम पॉइंट डाल देते हैं, तो 0.15 इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, 26/100। इसके साथ और 1 की जगह 0.26 आ गया, 47/100 है, 47/ इस तरह लिख के इसके साथ पॉइंट, यहाँ पे 0.47, 52% है, 52/100 हो गया यहाँ पे, इसके साथ और इसकी जगह 0.52, 63/100, और इसको लिखेंगे 0.63, 74/100, और इसको लिखेंगे 0.74, 85/100, और इसको लिखेंगे 0.85, 96/100, और इसको लिखेंगे 0.96, 17/100, और इसको लिखेंगे 0.17, 18/100, लिखेंगे 0.18। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये हमें फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हमने परसेंटेज में लिखना है, तो नीचे हमारे पास 100 होना लाजमी है, तभी हम कोई नंबर परसेंटेज में शो करवा सकते हैं। तो देखें, अब यहाँ पे हम खुद 100 बनाएंगे, किस तरह से आपको नीचे चाहिए ना 100, तो आपने देखना है कि क्या 10 के टेबल पे 100 आता है, 10 टाइम 100 आता है, तो हम ऊपर और नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने टाइम 100 बन रहा होगा। 10 वन ज़ा 10, 10 टेन ज़ा 100, तो ये इसको 10% हम लिख सकते हैं। अब नीचे 100 बन गया है ना, तो ये ऊपर वाला 10 वैसे ही रहेगा, और इसकी जगह पे हम परसेंटेज का साइन डाल देंगे। अगेन अब 2/5 है, तो अब हमने देखना है क्या 5 के टेबल पे 100 आता है, तो 5 के टेबल पे 20 टाइम 100 आएगा, तो यहाँ 20 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 22 ज़ा 40, और नीचे 100 बन गया, और इसको हम 40% लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास 100 आ गया। 4/10 है, तो अब हमने देखना है कि 10 के टेबल पे कितने टाइम 100 आता है, 10 टाइम 40, और नीचे 100 बन गया, और इसको 40% हम लिख सकते हैं। 9/25 है, तो 25 के टेबल पे 100 कितने टाइम आता है, 4 टाइम, तो 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36, नीचे 100 बन गया, तो इसको 36% हम ईजीली लिख सकते हैं। 3/20 है, 20 के टेबल पे 100 कितने टाइम आता है, 5 टाइम, तो ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर तो 15 बन गया, नीचे 100 बन गया, तो इसको हम 15% आसानी से लिख सकते हैं। 21/50 है, तो इसको हम 21/50, 50 के टेबल पे 100 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 42 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके नीचे 100, तो इसको 42% हम आसानी से लिख सकते हैं। 1/5 है, 1/5 है, 5 के टेबल पे कितने टाइम आता है, 20 टाइम, 20 आएगा, और नीचे 5/20 है, तो 100 बन गया, और यहाँ पे 20% हम लिख देंगे। 7/20 है, 20 के टेबल पे कितने टाइम आता है, 5 टाइम, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, और नीचे 100, और यहाँ पे 35%। 9/10 है, तो 10 के टेबल पे कितने टाइम आता है, 10 टाइम, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 ज़ा 90, और नीचे 100 बना, और 90% इसको लिख देंगे। 6/25 है, 6/25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 24/100, तो ये 24% इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, कन्वर्ट दी फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। ये डेसिमल में हमें दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट की 0.06 है ना, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, अगर 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। 6/100 रह गया हमारे पास, तो इसको हम 6% लिख सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 0.14 है, 0.14, पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरो, 14/100 बना, तो इसको 14% हम लिख सकते हैं, नीचे 100 जो आ गया हमारे पास। 0.23 है, 0.23, पॉइंट की जगह 1, और अगर 2 डिजिट 2 ज़ीरो हैं, तो 2 डिजिट्स हैं, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। अब इसको 23/100 बना, और इसको लिख सकते हैं 23%। 0.34, पॉइंट की जगह 1, अगर 2 डिजिट्स हैं,
और 100 डाल देंगे, उनके जो ज़ीरो डाल देंगे ये 100 बन गया, और 34/100 और यहाँ पे 34% इसको लिख देंगे। 0.43 है, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2043%। 0.55 है, पॉइंट की जगह 1 नेगेटिव डिजिट्स हैं 2055/100 और इसको 55% लिख सकते हैं। 0.63 है, तो पॉइंट की जगह 1 और आगे 2 डिजिट्स 2063/100 रह गया और इसको 63% हम आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, 0.71 है, पॉइंट की जगह 1, अगर 2 डिजिट्स हैं 2071/100 रह गया, इसको 71% लिख सकते हैं। 0.98 यहाँ पे 100 बन गया ना, तो इसको 98% हम लिख सकते हैं क्योंकि नीचे हमारे पास 100 आ गया। पॉइंट की जगह 1, अगर एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लिख देंगे, 3/10। अब नीचे 100 नहीं बना तो हमें 100 खुद बनाना पड़ेगा परसेंटेज में लिखने के लिए, तो हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस 10 के टेबल पर 10 टाइम ही 100 आता है। यहाँ पर ऊपर 30 बन गया, नीचे 100 बन गया, तो इसको हम 30% लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 देखें, साजिद स्कोर 365 मार्क्स आउट ऑफ 500, व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर। तो साजिद ने 500 में से 365 मार्क्स लिए हैं, तो इसकी अब हमने परसेंटेज बतानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल मार्क्स कितने हैं 500, स्कोर मार्क्स जितने उसने स्कोर किए हैं वो हैं 365, परसेंटेज मार्क्स कितने परसेंटेज आई है मार्क्स की, परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे हमने लिखने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 365 आए हैं 500 में से। तो अब हम यहाँ पे फाइव इसको कटिंग करेंगे, 5 के टेबल पे 500 कितने टाइम आता है 100 टाइम, और इसी तरह 365 कितने टाइम आता है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 5 7 35 आता है, और 6 में से 5 माइनस किया 1 और ये 5 आ गया, 5 3 15, तो यहाँ पे 73 आ गया, तो ये 73/100 बन गया। नीचे हमें 100 ही चाहिए था, और ये परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 73% उसने स्कोर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें से 5% एबसेंट हैं, इफ 5% आर एबसेंट ऑन मंडे, फाइंड दी नंबर ऑफ एबसेंट स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स 40 में से 5% हमने बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास जो कि हैं 40, एब्सेंट कितने हैं, एब्सेंट स्टूडेंट 5% है। तो अब उन्होंने हमें कहा है दी नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो हमने उसकी तादाद बतानी है कि कितने एब्सेंट हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5% ऑफ 40। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 5/100 बन जाएगा, परसेंटेज की जगह ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो अब इसको हम अगर 5 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है और नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 100 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एबसेंट थे, 40 में से 2 स्टूडेंट्स एबसेंट थे। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है दी नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे बी पार्ट में प्रेजेंट स्टूडेंट बताना है, तो हमें पता है दी नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो 2 उनमें से एबसेंट हैं, तो माइनस करेंगे 38 आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखना है दी नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इज 38, तो 38 प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं,
इन एन एग्ज़ाम 450 स्टूडेंट्स अपीयर 450 स्टूडेंट्स उनमें अपीयर्ड हुए थे. 25 गॉट फर्स्ट डिवीज़न, उनमें से 25 ने फर्स्ट डिवीज़न लिया और 55 गॉट सेकंड डिवीज़न और 5 ने सेकंड डिवीज़न लिया. द रेस्ट जस्ट पास द एग्ज़ाम. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास द एग्ज़ाम. तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम उन्होंने हमें दी हुई है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 450 गॉट. फर्स्ट डिवीज़न कितना की थी, फर्स्ट डिवीज़न, तो फर्स्ट डिवीज़न 25% की थी. सेकंड डिवीज़न जो के थी 55% की. और यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ डिवीज़न होल्डर. तो यहाँ पे 25% पे हम 55% प्लस कर देंगे, तो हमारे पास इसको प्लस करके 80% आ जाएगा. अब उन्होंने कहा है, अब हमने फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास द एग्ज़ाम. यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास एग्ज़ाम. तो ये हमने फाइंड करना है. तो पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं, डिवीज़न होल्डर को, जो कि हमारे पास 80% आया है. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एटी परसेंट ऑफ कितने का हमने फाइंड करना है, 450 का. तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 80/100 लिख के, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ की जगह 450 आ जाएगा. ये ज़ीरो इससे कट गया. 10 ones 10 10 8 80 आया, और 45 को अब हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8 5 44 कैरी, 8 4 32 360 आ गया है. तो यहाँ पे इसका टोटल आया है 360. अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास एग्ज़ाम. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास एग्ज़ाम. तो हम 450 में से माइनस 360 कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 90. तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने हमसे पूछा था कि कितने बच्चों ने सिर्फ एग्ज़ाम पास किया है, तो वो 90 जो सिर्फ पास हुए हैं. नेक्स्ट है 12% ऑफ एप्पल इन अ बास्केट आर रेड. बास्केट में 12% रेड है. राइट दिस परसेंटेज इन फ्रैक्शन. तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 12%. फ्रैक्शन में इसको लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे 12/100. और जब भी कोई आंसर फ्रैक्शन में आता है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में ज़रूर लिखना होता है. तो 4 3 12 और 4 25 times 3/25 आ गया. उसके बाद उसके कह रहे हैं राइट परसेंटेज फ्रैक्शन में और डेसिमल में भी लिखनी है. तो ये हमारे पास 12/100 था ना, तो इसको अब हम ये इसके साथ यहाँ पे 0.12 लिख सकते हैं. तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है. लास्ट पार्ट है, अ टैंक कैन होल्ड 85 लीटर ऑफ वाटर, इट्स 30% फिल. एक टैंक है जो 85% वाटर जो है होल्ड कर सकता है, उसमें 30% जो है वो फिल है. व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज एम्प्टी. तो कितना टैंक जो है वो एम्प्टी है. राइट द आंसर इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल. तो हमने बताना है एम्प्टी, और उसको डेसिमल और परसेंटेज दोनों में लिख. तो यहाँ हम इस तरह से पहले बताएंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, 85 लीटर है. उसके बाद परसेंटेज ऑफ वाटर इन टैंक कितने फिल्ड है, 30% जो है वो फिल्ड है. तो बाकी अब हमने पहले फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एम्प्टी टैंक. तो हम 100 में से 30 माइनस कर देंगे, तो 70% जो है वो टैंक खाली है. तो अब हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम लिखेंगे 70 ओवर
100। तो जब भी कोई आंसर आता है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, फ्रैक्शन से 7/10 लिखेंगे। लोएस्ट वन में जाता है तो उसको लाजमी लेके जाना है। और अब इसको, इसी को हम 7/10 को जब डेसिमल में लिखेंगे इसके साथ, और यहाँ पे 0.7 इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कम्प्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।